नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बिहार की सियासत में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या चुनाव से पहले एनडीए का बंगला छिन जाएगा। सवाल ये कि क्या एनडीए से बंगला खिसकेगा और एलजेपी जैसे आरएलएसपी महागठबंधन की तरफ कदम बढ़ाती नजर आ रही है, क्या एलजेपी भी उसी राह पर चल पड़ी है। चिराग पासवान के एक ट्वीट के बाद जिस तरह से सियासी भूचाल आया, महागठबंधन को मौका मिल गया एनडीए पर हमले का, और बार बार यह भविष्यवाणी जो की जाती रही है वो एक बार फिर दोहरा दी गई कि चुनाव से पहले एनडीए पूरी तरह बिखरने वाला है। लेकिन एनडीए डैमेज कंट्रोल में लग गया है। जेडीयू और बीजेपी दोनों ने कहा है कि विवाद की कोई वजह नहीं है, विवाद कहीं से भी नहीं है। चिराग पासवान के कहने का मतलब विवाद से नहीं था या अलग होने से नहीं था, बल्कि वो सिर्फ ये चाहते हैं कि समय से सीट बंटवारा हो जाए। हकीकत क्या है ये हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप रिपोर्ट देखिए। गठबंधन की सीटों को लेकर कई बार बीजेपी के नेताओं से मुलाकात हुई, परंतु अभी तक कुछ ठोस बात आगे नहीं बढ़ पाई है। इस विषय पर समय रहते बात नहीं बनी तो इससे नुकसान भी हो सकता है। लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय दल के चेयरमैन चिराग पासवान के इस ट्वीट के बाद आप कह सकते हैं कि फिलहाल एनडीए में चिराग तले अंधेरा है, या ये भी कह सकते हैं कि एनडीए को घर के चिराग से ही सियासी आग की आशंका है। बिहार सरकार में मंत्री और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पशुपति पारस ने चिराग के अल्टीमेटम पर मुहर लगा दी। चिराग जी का जो बयान है वो सही बयान है कि अब समय आ गया है, आप हमको यदि सम्मानजनक समझौता आप नहीं करेंगे तो हम लोग स्वतंत्र हैं। आरएलएसपी अभी हाल ही में एनडीए से दामन छुड़ा चुकी है, ऐसे में एलजेपी की चेतावनी कई मामलों में बेहद अहम है। आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा और आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी को लगता है कि एनडीए में एक बार और टूट होगी। तो बाहर आ गए, वरना हमारे साथ भी वही हो रहा था। अब लोक जनशक्ति पार्टी भी अगर यह महसूस करने लगी है तो ठीक महसूस कर रही है, उनको भी बाहर आना चाहिए। अभी जो चिराग ने कहा है उससे लग रहा है कि वो लोग भी घुटन महसूस कर रहे हैं और उनको भी भारतीय जनता पार्टी भाव नहीं दे रही है। इधर बीजेपी और जेडीयू के नेता लगातार एकजुटता का दावा कर रहे हैं। भाई पारस जी, चिराग जी पता नहीं क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं जो मुझे मालूम है कि रामविलास जी पूरी तरह से इंटैक्ट हैं और उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक राजनीतिक दल के महत्वपूर्ण व्यक्ति होने के नाते उन्होंने ट्वीट के माध्यम से अपनी राय व्यक्त की, इसका कोई एनडीए गठबंधन एकजुट है इस पर तो कोई टिप्पणी नहीं है। इसलिए अगर किसी को इससे राहत महसूस हो रहा हो, आठवां पास नौवां पास तेजस्वी यादव के कुनवे को, तो वो भ्रम जाल में है, एनडीए एकजुट है। पूरी कवायद की सियासी तस्वीर चाहे जो हो, लेकिन बिहार की राजनीति को समझने वालों के लिए ये प्रेशर पॉलिटिक्स से ज्यादा कुछ नहीं है, जिसका मकसद कुछ सीटें हासिल करना भर है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए हम सभी मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपक्ष की तरफ से आरजेडी के शक्ति यादव विधायक हैं, प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के विधान पार्षद प्रेमचंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरएलएसपी के राष्ट्रीय महासचिव माधव आनंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एनडीए की तरफ से बीजेपी के विधान पार्षद और वरिष्ठ नेता सच्चिदानंद राय हमारे साथ हैं और एलजेपी के वरिष्ठ नेता कुंवर असीम खान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत एलजेपी से ही बनती है। कुंवर साहब, दरअसल आज इस बारे में दिन में चर्चा हो रही थी तो हमारे मित्र ने एक बताया कि सोशल मीडिया पर दो पंक्तियां बड़ी चर्चाओं में आजकल चल रही हैं और बहुत ज्यादा सुर्खियों में हैं कि क्या मिजाज है सियासी आसमान का, फिर से लहजा बदलने लगा है पासवान का। ये बहुत ज्यादा आज सोशल मीडिया पर ये लाइनें चल रही हैं, क्या वाकई रुख बदलना और रास्ता बदलने का वक्त आ गया है? नहीं, मेरा जो आप कह रहे हैं इससे बिल्कुल इत्तफाक नहीं रखता हूं कि हमारे आदरणीय नेता चिराग पासवान जी ने जो भी ट्वीट किया है उसमें क्या गलत कहा है। उन्होंने आगे वाली रणनीति के लिए, क्योंकि हम लोग जो राजनीति करते हैं सिद्धांतों पर राजनीति करने वाले लोगों में से हैं, तो हमारे आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने
और अभी हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री पशुपति कुमार पारस जी ने जो कहा है क्या उसमें गलत कहा है, क्योंकि चुनाव नजदीक हैं, उसके लिए सब कुछ एक रणनीति बनाई जाती है, रूपरेखाएं तैयार की जाती हैं, चुनाव में जाने के लिए पहले अपने बूथ कमेटीज का और का सब। अगर दो चार महीने का फर्क होता तो बात समझ में आती, 10-15 दिन पहले, 20 दिन पहले आप आरएलएसपी को नसीहत दे रहे थे, आप कह रहे थे कि नहीं इतनी बेचैनी क्यों है आरएलएसपी को, सब कुछ समय से चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। 15 दिन में इतना क्या देर हो गया कि आपको अचानक से लगने लगा कि नहीं अब तो हम स्वतंत्र हैं अगर जल्दी फैसला नहीं हुआ? नहीं नहीं, स्वतंत्र की बात कहां से आई है, हमने तो उसमें अभी बयान हमने आपको सुनाया है, पशुपति पारस जी ने बयान दिया है, उन्होंने टाइम दिया है क्योंकि हमें अपनी सीटों की तैयारी करनी है, यही अल्टीमेटम आरएलएसपी भी दे रही थी, कौन कौन सी सीट हमारी, यही अल्टीमेटम आरएलएसपी दे रही थी, तब आप नसीहत क्यों दे रहे थे? इससे हमारा मत उससे कोई हमारा वो, अगर आपका लेना देना नहीं था तो आपको नसीहत भी नहीं देनी चाहिए थी। एनडीए के अलायंस हैं, हम अपनी पार्टी में जो हमारी पार्टी ने लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए की अलायंस है, किसी बातों पे, सिद्धांतों पे, नियमों पे उनसे हमारा समझौता है। तो आरएलएसपी कौन सी अलायंस नहीं थी, वो विरोधी में तो हमारी पार्टी में तो थी, वो भी हमारी पार्टी का, आरएलएसपी का अपनी अपनी विचारधारा है, तो फिर हमारी अपनी अलग है पार्टी की। मैं तो वही पूछ रहा हूं, अरे नहीं आसिम खान साहब आप जरा एक बात, आपने अटैक किया ना उन पर, आपने अटैक किया और कहा, आपके नेता चिराग पासवान का बयान है, देखिए एक बार नहीं चार बार उन्होंने कहा कि अलायंस है एनडीए के, अलायंस अभी एनडीए के हम लोग अलायंस हैं, तो हमने एनडीए से बात की, वही तो कह रहा हूं ना, 15 दिन कांग्रेस से, 15 दिन में अचानक, 15 दिन में आपने ये प्रेशर पॉलिटिक्स क्यों शुरू किया? इसको आप प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं देखिए, माफ कीजिएगा, इसको प्रेशर पॉलिटिक्स, ये प्रेशर पॉलिटिक्स ही है, दूसरा क्या, समय की पुकार होती है, हमें अपना पार्टी के लिए अपनी, देखिए हर आदमी हर पार्टी अपने लिए तैयारी करती है, तो उसी तरीके से हमें भी चुनाव में जाने की। माधव आनंद जी मौजूद है आरएलएसपी के, आप वो शायद बताएंगे, माधव जी क्या नसीहत मिली थी आपको? यही 10 तारीख को हम लोगों ने एनडीए से गठबंधन तोड़ा, 10 तारीख से पहले 4 तारीख का भी चिराग जी का स्टेटमेंट है कि उपेंद्र कुशवाहा 2 नाव की सवारी कर रहे हैं, उनको गठबंधन में है तो कमरे में बैठ के बातचीत करना चाहिए, न कि जैसे इस तरह की बातचीत करनी चाहिए। आज वही चिराग पासवान जी का बदला हुआ रुख नजर आ रहा है, उनके ट्वीट के माध्यम से अभी राहुल गांधी की प्रशंसा कर रहे थे आपके चैनल पे, मैंने देखा कि राहुल जी की रणनीति ये बहुत अच्छी है। देखिए एक बात मैं कहना चाहूंगा, 4.5 साल हम लोग सरकार के साथ रहे, ये सरकार, अरे गठबंधन क्या होता है हम लोग को पता ही नहीं चला, 4.5 साल में मेरे साथी बैठे हुए हैं बीजेपी के और एलजेपी की, बता दें कि एक भी एनडीए की मीटिंग हुई हो तो मुझे बता दें कौन से डेट में किस तारीख को मीटिंग हुई है, एक भी मीटिंग नहीं हुई है। ये दोनों, ये जो नीतीश जी की है और प्रधानमंत्री, दोनों अहंकारी हैं, और अहंकारी ऐसे हैं कि जितने भी रीजनल पार्टी हैं सबको खत्म करना चाहते हैं, और या मैं कहता हूं देश हित में माननीय पासवान जी को भी हम लोग के साथ आना चाहिए, और निश्चित रूप से पासवान जी साथ में आएंगे तो हम लोग स्वागत करेंगे, और मोदी जी को, दोनों को खाते यही देखिए कुंवर असीम साहब, यही बयान जो है, जो हम आपसे अभी सवाल पूछ रहे थे, जो अभी आरएलएसपी कह रही है कि आपने भी दोहरी नीति दिखा दी, आप उनको कह रहे थे कि आप 2 नाव की सवारी कर रहे हैं, आप भी वही चीज कर रहे हैं, 15 दिन पहले आपका रुख कुछ और था, 15 दिन में अचानक से ऐसा लग रहा है कि तूफान खड़ा हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम 2 नावों की सवारी ना आज तक हमने भविष्य में की है और ना आज तक करेंगे, हमारी जो एक सीधी लाइन है पार्टी की, जो हमारी लाइन है उसी के बीच हम बदले। ठीक है, बीजेपी से हम प्रतिक्रिया लेते हैं जिससे आपको सबसे ज्यादा सभी सहयोगियों को एतराज है। सच्चिदानंद जी, क्या वजह है कि सहयोगी बार बार ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है उनको तवज्जो नहीं दे रही है, बीजेपी उनसे बात नहीं कर रही है, बीजेपी सीट शेयरिंग को लेकर चुप्पी साधे बैठी है? बीजेपी सीट शेयरिंग को लेकर बिल्कुल चुप्पी साधे नहीं है। आरएलएसपी का जो कि जो बेचैनी थी वो समझ में था, उन्हें जाना था, उन्हें 2 सीट नहीं चाहिए थे। माधव आनंद जी जरूर सर हिला रहे हैं, लेकिन मेरी इनसे बात हुई थी कि अगर आपको बात ही करनी है तो इंतजार कीजिए, अभी 5 राज्यों के चुनाव चल रहे थे, उनका नतीजा 11 को आया, 10 को ही ऐसी कौन सी बेचैनी हो गई थी जब इतना दिन खींच के ले गए थे, 4.5 साल तक गलबहियां करने में दिक्कत नहीं हुआ, और आज कह रहे हैं कि कोई बैठक नहीं हुई, तो आप कितने ठीक जो बन रहे थे वो भी अब विचलित हो गए। क्या कहा उन्होंने, ऐसा क्या कह दिया जिसको आप अगर हमारे तारीख के मुताबिक काम नहीं हुआ तो? नहीं, स्वतंत्र तो हर हर कोई है, ये कौन सा है आपके सामने? अभिषेक जी आप बात नहीं, बाजी खाल मत निकालिए, एक बात समझिए आप, ये बात बिल्कुल सही है। अभी 11 तारीख बीत गया, 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ गए, अब अगला चुनाव जो है वो आम चुनाव ही है, तो बिल्कुल उनका चिराग जी यह कहना सही है कि मैदान में उतरना है, जल्दी से जल्दी हम लोग सीटों का फैसला कर लें। यही कारण है कि परसों
माननीय मुख्यमंत्री, अगर चिराग पासवान आपको सही लग रहे हैं तो इसका मतलब है कि पार्टी नेतृत्व जो है वो इस पर विचार कुछ कहा ही नहीं, नहीं, नहीं तो आप मान रहे हैं कि आप मान रहे हैं कि आपके पार्टी के नेतृत्व में कहीं कुछ समस्या है। महत्वपूर्ण साथी है, उन्होंने एक बात बताया है कि भाई अगर चुनाव की तैयारी करनी है तब देर न करें, समय समझते भी बीजेपी को भी आप अपनी बात पता चला पिछले तीन महीने से फुटेज खाए जा रहे हैं, ये बंद कीजिए। अरे फुटेज तो हम लोग नहीं चाहिए, माधव जी माधव जी माधव जी एक एमएलए नहीं, माधव जी नहीं, माधव जी माधव जी एक एमएलए नहीं, एक एमएलए नहीं, पार्टी ने घूम रहे हैं, माधव जी उखाड़िएगा ना मोदी जी को, उखाड़ने का ही काम कीजिएगा। ठीक है ठीक है माधव जी, माधव जी एक मिनट सचिदानंद जी, आप सिर्फ बहुत संक्षेप में, चूंकि बाकी मेहमान भी है, आप ये बताइए कि आपको लगता है कि अगर चिराग पासवान ने सही कहा तो क्या मानते हैं कि पार्टी नेतृत्व आपका जो है वो इस मामले को शायद बहुत ढिलाई इस पर दिखा रहा है? बिल्कुल ढिलाई नहीं जी, परसों की बैठक है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी यहाँ पर आ रहे हैं, निश्चित रूप से रामविलास उसमें हिस्सा लेंगे और दूध का दूध पानी का पानी आपको परसों सामने दिखाई देगा। ऐसा कौन सा मोटा मोटी तो फॉर्मूला बना ही हुआ है, मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता, आपको पता होगा, लेकिन इतना जान के चलिए कि उन्होंने ठीक याद दिलाया कि अब देर न करें, परसों वाली बैठक हो जाए, फाइनल हो जाए, ताकि हम मैदान में उतरे। चलिए एवरीबॉडी इचिंग, हम लोग क्या समझते हैं 40 एक सीट छोड़ने वाले हैं, वो मुंह में लोग लगाए एक भी सीट आप अगर वहां से जीत गए, अरे छोड़िए वो आपको बिहार कंधे पर चढ़ के ऊंचा कर देने वाले लोग, अकेले आप लोगों को तीन सीट लगाने का काम किया भाई इलेक्शन। चलिए ठीक है ठीक है, हम लोग आने का अधिकार नहीं है, चलिए एक मिनट, एक मिनट, ठीक है डबल इंजन की सरकार है, इसको बुद्धि ना, एक भी विकास बता दीजिए, एक भी निवेश सकता नहीं बता दीजिए, आप बड़े आदमी हैं, एक गार्जियन की तरह बिहेव कीजिए, आपने बिहार को अंधकार में धकेलने का काम किया है, आज बिहार प्लीज अब वहां हम रुख करेंगे, जरा एक बार पटना का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ प्रेमचंद्र मिश्रा जी, एक मिनट प्लीज प्लीज माधव जी, सचिदानंद जी प्लीज, प्रेमचंद्र मिश्रा जी कांग्रेस जो है कहा यह जा रहा है कि सचिदानंद जी प्लीज, हो गया आपकी बात ले ली हमने, प्रेमचंद मिश्रा जी कहा यह जा रहा है कि महागठबंधन जो है वो बार बार बैठक करके एनडीए को यह एहसास दिला रहा है कि हमारे यहां गठबंधन कैसे निभाया जाता है और आपके यहां, तो कहा यह जा रहा है कि महागठबंधन ने दरअसल ये माचिस की तीली फूंकी है जिसकी वजह से आग लगी। नहीं, एनडीए में आग लगी उसमें महागठबंधन का क्या योगदान है, ये तो इनके अपने बीजेपी का जो नेतृत्व है राष्ट्रीय स्तर पे, यहाँ कहा लगी नहीं तो आग वाली सब बात करें, अपनी बात करें, एक मिनट कांग्रेस आग लगी या नहीं लगी, एक मिनट सचिदानंद जी प्लीज एक मिनट जी, प्रेमचंद मिश्रा जी ठीक है, हाँ ठीक है, ये कह रहे हैं कि सब कुछ इनके यहाँ ठीक ठाक है, बहुत बहुत प्रसन्नता की बात है कि एनडीए में आग नहीं लगी है, आपको मुबारक हो उपेंद्र कुशवाहा जी, आप यहां से बाहर आ गए, आग नहीं लगी है, पीडीपी बाहर हो गई, टीडीपी बाहर हो गई, उपेंद्र कुशवाहा जी को चार दे दीजिएगा, चार चाहिए दे दीजिएगा, आप एक के बाद एक आपके सारे सहयोगी बाहर निकल रहे हैं और आप प्रसन्न हैं, तो आपको ये प्रसन्नता मुबारक हो भैया, और इतना बड़ा सहयोगी एक आया ये नहीं दिख रहा है, मानना है आपको नीतीश कुमार जी नहीं दिख रहे हैं, जदयू नहीं दिख रहा, माधव जी प्लीज गुजारिश, हमारे साथ आपको भी डुबो देंगे, एक मिनट माधव जी गुजारिश, सचिदानंद जी, माधव जी प्लीज एक एक करके, प्रेमचंद मिश्रा जी भी बोल रहे, फिर सवाल अगला आएगा जी, अपने अच्छा बोलते हैं उनको बोले, सचिदानंद जी इतनी परेशानी क्यों हो रही है, सुन लीजिए, अभी तो आप सिर्फ तीन राज्य हारे हैं, तो कहा अच्छा बोलते हैं, बोलिए मैं सुनने के बैठा हूं, लोकसभा हार देंगे तब क्या होगा, मैं तो आपकी प्रशंसा की, मैंने कहा अच्छा बोलते हैं, बोलिए कि क्या वजह है कि आपके साथ ही एक एक करके निकल रहे हैं, जो साथ में भी हैं वो आपको अल्टीमेटम दे रहे हैं, बीच बीच में चूंकि बात पूरी होने दीजिए जी, प्रेमचंद मिश्रा जी प्लीज, सचिदानंद जी चिराग जी के बाद
जी। अब पशुपति पारस जी ने 31 दिसंबर का अल्टीमेटम दिया है, ऐसा ही तिथि कुशवाहा जी ने भी आपको दिया था, आप नहीं चेते, तो वो जो रस्सी जल गई ऐठन नहीं गई है बीजेपी की। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी वालों को प्रिय हो गई है और इनका जो अहंकार है वो इनके साथियों को भी जोड़ने में विफल साबित हो रहा है और ये तीन राज्य के चुनाव परिणाम ने इन्हें बहुत तरह से हताशा कर दिया है। अब देख लीजिए यहाँ किसी भाषा क्या नहीं लगता है। अच्छा प्रेमचंद मिश्रा जी, क्या नहीं लगता है कि अभी मेरा मानना है कंडीशन तो है एनडीए के साथ कि उसका नेतृत्व तय है। इनको लगता है कि महागठबंधन में नेतृत्व ही तय नहीं है। क्या राहुल गांधी का नेतृत्व पूरा गठबंधन स्वीकार करेगा? क्या इन बैठकों के जरिए महागठबंधन की समस्याएं सुलझ जाएंगी और एनडीए को कमजोर करने की जो कोशिश या एनडीए की कमजोरी से जो महागठबंधन को लग रहा है कि हमें ताकत मिल रही है वो मिल पाएगी? देखिए मैं समझता हूं इन्हें महागठबंधन की चिंता करने के बजाय अपना घर संभालना चाहिए। नहीं, चिंता नहीं कर रहे हम लोग, आप चिंता कीजिए, चिंता करने की जरूरत आपको है, हम खुश हैं। आज 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 आप ज्यादा ही परेशान नहीं, नहीं मुबारक हो तुमको, क्षमा यही मानना है। आप आगे बढ़िए, तीन राज्यों में जहां बीजेपी का गढ़ था बीजेपी हार गई और कांग्रेस जीत के आ गई है। एनडीए में बिखराव तो होना ही होना है और हमारे महागठबंधन का दायरा बढ़ना है जी। वो आप देख रहे हैं। अब यहाँ बीजेपी वाले कुछ ही थ्रेसोलॉजी करें, इन चीजों का असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, नरेंद्र मोदी की घटती अलोकप्रियता और नीतीश कुमार की अवसरवादी राजनीति, एक बार शक्ति यादव जी के पास चलते हैं, मार्ग को आसान करने पर शक्ति यादव जी से भी हम प्रतिक्रिया लेते हैं। और मायावती की चिंता मत करिए, शक्ति यादव जी आरजेडी काफी उत्साहित है। आरजेडी कह रहे हैं कि रामविलास पासवान को लेकर भविष्यवाणी दरअसल आरजेडी की ही तरफ से आई थी और ये बात कही थी रघुवंश प्रसाद सिंह ने कि रामविलास पासवान बहुत जल्द महागठबंधन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वो भविष्यवाणी वाकई सच साबित होने जा रही है? अभिषेक जी, राजनीति में जो राजनीति के मियाज को और जनता के मियाज को जो पहचानता है निश्चित तौर पर वो समय पर सामयिक निर्णय लेता है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने ऐसे ही थोड़ी बयान दिया था। और हम लोगों जो उपेंद्र कुशवाहा जी जिस तरह से जलील हुए, जिस तरह से रामविलास जी जलील हो रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर जो राजनीति का वैज्ञानिक है तो समझता है कि वो नाव कौन सी है जो पहुंच रही है किनारे तक, किसमें छेद हुई है। यादव जी, जलील शब्द का अर्थ भी जानते हैं? पसंद करेंगे, जलील शब्द का अर्थ भी जानते हैं? किसके अर्थ? अरे जलील उसको नहीं कहते हैं, जलील आपके परिवार में हो रहा है उसको जलील कहते हैं। अरे सुनिए ना मिस्टर राय, मिस्टर राय मैं जानता हूँ ना मिस्टर राय, जलील की। अरे आप किन घरों में, घर के पत्नियों को अपने भाजपा के अंदर घर में पत्नियों को संभालेंगे? व्यक्तिगत मामला नहीं, इस तरह की टीका टिप्पणी नहीं, ठीक है, इस तरह की टीका टिप्पणी। शक्ति यादव जी, आप भी और सचिदानंद जी, इस मामले पर ये शब्द नहीं हुआ है, नहीं प्लीज, कोई बेटियों को लेकर और इस तरह की टिप्पणी नहीं होगी। महफूज वाले बयान मत करिए, छोटे बयान हरकत। चलिए, आपको इतना खराब लगा तो वापस लेता हूं, आप विषय पर आइए जी। शक्ति यादव जी, वक्त कम है जी। मैं विषय पर ही आ रहा हूं कि राजनीति में जो समझता है हकीकत को और हालात जो है देश का, जिसको लोकतंत्र में, संविधान में जिसकी आस्था है, स्वाभाविक तौर पर ऐसे नाजुक समय में निर्णय लोग लेंगे। और एक नहीं, आज भले ही इनको अटपटा लगे कि रामविलास जी नहीं जाएंगे, रामविलास जी निश्चित तौर पर समय आने पर, एक नहीं, महबूबा चली गई, चले गए चंद्रबाबू नायडू, चले गए संजय राउत, आंख तरे रहे शिवसेना, आंख तरे रही है, निकल गए मांझी जी, निकल गए उपेंद्र कुशवाहा, निकल गए। और धीरे धीरे जब समय आते आते पार्लियामेंट उन्हें आते आते आप देखिए डिक्लेयर होते होते बहुत सारे लोग बाहर आ जाएंगे। अब सवाल उठता है कि आपके अंदर चर्चा है, मैं तो कहना चाहता हूं देश में चर्चा है कि अडवाणी जी ने राहुल जी को क्या आशीर्वाद दिया, मानसरोवर जाइए,
कहां कहां जाने की नसीहत, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर अरे मस्करी बंद कीजिए सत्य यादव जी, मस्करी बंद कीजिए। चलिए ठीक है, एक बार फिर से असीम खान साहब देखिए, इस पूरे विवाद के केंद्र में आपकी पार्टी है, आपकी पार्टी ने ऐसी बात छेड़ दी है कि जिसकी वजह से इस विवाद को, तो क्या नहीं माना जाए कि एलजेपी ने मौका दिया है विरोधियों को बोलने का, कि एनडीए पूरी तरह से बिखर जाएगी। असीम खान साहब बिल्कुल, असीम खान साहब आपने मौका दिया है विरोधियों को हमला बोलने का, इसका अर्थ आप गलत निकाल रहे हैं। हमने आप अपने जो अलायंस है एनडीए है उसमें हमने ये बात हम ये रखी है। एक बयान हम सुना रहे हैं, चिराग पासवान ने बीजेपी को लेकर एक बयान दिया है, वो बयान सुनते हैं। अब ये परिणामों ने भी बता दिया है कि अगर आप भ्रमित करने वाले मुद्दे उठाते हैं और दूसरे मुद्दे ज्यादा हावी हो जाते हैं बनिस्पत युवाओं किसानों और जो डेवलपमेंट का जो आपका एजेंडा है उसके ऊपर अगर दूसरे मुद्दे हावी हो जाते हैं तो उसका नुकसान होता है। ये बयान है, ये काफी क्या गलत है इसमें, क्या गलत है तो फिर आप गार के लिए किसानों के लिए जो समस्या, तो आपको लग रहा है ना कि इस मुद्दे को बीजेपी नहीं उठाती है, आपने ये सीधे तौर पर कह दिया। क्यों, हम लोग एनडीए में हैं, हम लोगों ने हर बात को आगे मजबूती से उठाया है, चाहे वो ऐसी सच्चिदानंद जी, ये साफ तौर पर बयान है कि बीजेपी ने इन मुद्दों को नहीं छुआ जिसकी वजह से हार हुई। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस चुनाव में जो मुद्दे थे उस पर छोड़कर बाकी सब कुछ हुआ, जनेऊ पहना गया, गोत बताया गया, ये सब चीजें जो हुई, हम लोग भी उस ट्रैप में आए, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यही देखिए कितना बढ़िया बात उन्होंने कहा है कि इस बार ट्रैप में नहीं पड़ना है, अपने काम गिराने हैं, क्या काम किया हमको उसके बारे में। चलिए ठीक है, हमारे पास वक्त नहीं है, इस बार काम कदम पर लगे, वक्त नहीं है, माफी चाहूंगा, किसी का ट्रैप में नहीं आने वाले, माफी चाहता हूँ, हमारे पास समय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, माधव आनंद जी, सच्चिदानंद राय जी, कुंवर असीम खान साहब, प्रेमचंद मिश्रा जी, शक्ति यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये लड़ाई अभी चल रही है, अब ये कह रहे हैं कि लड़ाई नहीं है, लेकिन हकीकत यही है कि एलजेपी जिस तरह से अब राहुल गांधी की तारीफ में लग गई है, लगता है कि कुछ तो शायद होने वाला है, देखते हैं। बाद में बात में फिलहाल